गोदाम सर अभी एक सेकंड कौन सा सिल्क रहा है ढंग से पता चले कि एक ट्रैक्टर आसपुर मलावन पुलिस चौकी पे एक अवैध पकड़ी गई जिसके पास कोई कागज नहीं था, इफको की खाद थी। तो किसी प्रकार संज्ञान में आया, सबसे पहले जिला कृषि अधिकारी को आसपुर मलावन चौकी के इंचार्ज ने फोन किया कि ये इफको की खाद है, यहाँ पकड़ में आ गई है, इसका क्या करना है। तो अब तक हम लोगों ने पता लगाया कि कहाँ से गई हो सकती है, तो एक विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि संजीव गुप्ता नाम का कोई आईपीडीसी सेंटर चलाता है, इसका बहुत बड़ा गोदाम है, उसके यहाँ से गई हो सकती है। 2000 से ज़्यादा बोरियाँ रख नहीं सकता है, इसके यहाँ 6-7 हज़ार बोरियाँ भी पकड़ में आई है। तो प्रथम दृष्टया अनियमितता प्रकाश में आने पर डीएम सर को अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि एसडीएम सदर से बात कर लीजिए। एसडीएम सदर से वार्ता हुई, रात चूँकि 8 बजे से ज़्यादा हो रहे हैं, तो 3 सैंपल जिला कृषि अधिकारी ने ले लिए हैं और उसको आगे कार्रवाई सुबह करेंगे। अभी फिलहाल सील करके और एसडीएम सदर को बता के हम लोग निकलना चाह रहे हैं, अब आगे कार्रवाई कल सुबह करी जाएगी। बताया जा रहा है 2 ट्रक हैं वो मलावन में भी पकड़े गए हैं ट्रैक्टर। अभी तो हमको तो एक ही ट्रैक्टर की जानकारी हुई थी, अभी हम लोग जाएंगे इसके बाद वहाँ, इसके बाद अब वहाँ जाएंगे। यहाँ पे 2 ट्रैक्टर भरे हुए गोदाम में मिले हैं, एक ट्रक खाली मिला है और एक ट्रैक्टर, यानी 4 गाड़ियाँ यहाँ पे, 2 भरी हुई और 2 खाली। यहाँ पे हम लोग सील करके जा रहे हैं गोदाम में। गोदाम बहुत बड़ा है, ऐसा गोदाम तो हम लोगों को ऑपरेटिव में जल्दी नहीं मिल पाता है, ये पता नहीं कैसे या कितने दिनों से चल रहा है। अनियमितता हुई है, प्रथम दृष्टया अनियमितता है।